हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आरके वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पशुओं में होने वाली एक खतरनाक बीमारी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के बारे में बताने वाला हूँ। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के मैंने दो पार्ट बनाए हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया का सिनोनिम्स क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, इसके सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इसकी डायग्नोसिस क्या क्या की जाती है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया को सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया को हम लोग शॉर्टकट में HS कहते हैं, इसको गलघोटू कहते हैं, कहीं कहीं इसको पास्टलेसिस बोला जाता है, और कई जगह इसको हम लोग स्लीपिंग फीवर भी कहते हैं। ये हो गया हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया का सिनोनिम्स। अब हम लोग बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कैमल में देखने को मिलती है। खास करके ये मतलब आपको जुलाई अगस्त यानी कि बरसात का जो मौसम होता है उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यह मेनली आपको बफेलो और कैटल में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो रूमिनेंट पशु है जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ बकरी, इनमें आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। यह एक एंजियोटिक बीमारी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बीमारी होती है गलघोटू, यह बीमारी फैलती कैसे है, मतलब एक पशु से दूसरे पशु में फैलती कैसी है। तो इसका जो मुख्य मतलब फैलने का रीज़न है कि जब कोई पशु मतलब प्रदूषित खाना खा लेगा या प्रदूषित पानी पी लेता है, उसके वजह से यह बीमारी होती है। यानी कि कह सकते हैं कि इंजेशन आप कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर, इसके वजह से होती है। फिर दूसरा ट्रांसमिशन या कि मतलब जो प्रदूषित हवा होती है यानी कि उसको इन्हेलेशन कर लेता है, उसके वजह से भी यह बीमारी फैलती है। ये हो गया इसके ट्रांसमिशन। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बीमारी के आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। ये जो गलघोटू है इसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। इसका सबसे जो मेन लक्षण होता है, आप देखेंगे कि जो उसके शरीर का तापमान है पशु के, उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जो नॉर्मल तापमान होता है जैसे गाय भैंस में जो नॉर्मल तापमान होता है 101.5 डिग्री फारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उससे बढ़ के आप देखेंगे कि इसका 106-107 डिग्री फारेनहाइट इसका टेम्परेचर हो जाता है। जब इसके पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि जो पशु होता है खाना कम कर देता है, पानी कम पीता है। ये हो गया दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण यह है कि जब खाना पानी कम कर देता है तो आपका पशु सुस्त कमज़ोर सा एक जगह बैठ जाएगा गर्दन मोड़ के, ये आपको तीसरा लक्षण देखने को मिलेगा। चौथा लक्षण यह है कि जो उसका मतलब जब पशु आपका बैठ जाता है तो जुगाली करना कम कर देता है, जो उसकी पल्स रेट होती है, हार्ट रेट, वो कम हो जाती है। चौथा लक्षण आपको देखने को मिलेगा। पांचवा लक्षण आपको देखेंगे कि उसके मुंह से मतलब डिस्चार्ज आएगा, जो उसके नाक से डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको उसकी आँख से डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ये आपको कुछ मतलब जैसे निमोनिया के लक्षण देखने को मिलते हैं, उस प्रकार के आपको कुछ इसमें आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। ये हो गया पांचवा लक्षण। अब हम बात करते हैं छठवें लक्षण की। तो जो मतलब पशु होता है आप देखते होंगे वो घर घर की आवाज़ करने लगता है, मतलब उसमें जो आवाज़ आती है स्नोरिंग साउंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, घर घर की आवाज़ करने लगेगा, ये आपको छठवां लक्षण देखने को मिलता है। सातवां लक्षण आपको देखने को मिलेगा जो पशु होता है उसके जो थ्रॉट रीजन होता है यानी कि जो सब मैंडिबुलर वाला रीजन होता है उसमें सूजन हो जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो उसका ब्रिस्केट वाला जो पार्ट होता है वो भी मतलब उसमें भी सूजन हो जाती है। हाथ मतलब जो उसके आगे के पैर होते हैं उसमें भी आपको सूजन कभी कभी देखने को मिलती है। इस प्रकार के इसके कुछ बेसिक लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। यदि पशु की सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है तो इसमें पशु की क्या है 10 से 72 घंटे में इसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। इस प्रकार के आपको कुछ इसमें आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया को डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हम मतलब इसकी डायग्नोसिस किस प्रकार से करते हैं। तो इसकी जो पहली डायग्नोसिस हम लोग हिस्ट्री के आधार पर कर सकते हैं। हिस्ट्री में जैसे कि आप
मतलब पता लगा सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। इसमें मतलब जो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया होती है किसी भी समय हो सकती है, लेकिन जो क्लाइमेटिक चेंज होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे कि नमी हो गई है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जब पशु नई नई घास खा लेता है तो उसको यह बीमारी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ये हो गया पहला मतलब डायग्नोसिस। दूसरी, आप उसके लक्षण के आधार पर आप उसको पहचान सकते हैं, जैसे कि उसके मतलब थ्रॉट रीजन में सूजन हो जाती है, ब्रिस्किट रीजन में सूजन हो जाती है, पशु को सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है, इस प्रकार से आप उसको पहचान सकते हैं। ये दूसरी डायग्नोसिस हो गई। तीसरी, आप उसको जब पशु के पीएम करते हैं तो पोस्टमार्टम जब आप करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे उसके पूरे शरीर में हीमोरेजिन काले काले पैचेस टाइप के पूरे शरीर में पड़ जाते हैं। ये हो गई तीसरी डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं चौथी डायग्नोसिस की। चौथी डायग्नोसिस, जैसे ये तीन डायग्नोसिस आपने कर ली, इससे कंफर्म नहीं हो रहा तब आप चौथी डायग्नोसिस कर सकते हैं। चौथी डायग्नोसिस में आप क्या कर सकते हैं कि ब्लड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, जो मतलब उसके नाक से मतलब डिस्चार्ज आता है तो उसमें कार्टन से आप स्वैब लेना है, उसको आप लेके आप लैब में टेस्ट करा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो मतलब एडिमेटस फ्लूड होता है जहाँ सूज जाता है वहाँ आप नीडल प्रिक करके वो फ्लूड को आप लेके मतलब टेस्ट करा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसके चार पांच टेस्ट होते हैं ये आप करा सकते हैं। इस प्रकार से ये पार्ट फर्स्ट था। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।